हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदा पर। हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर, जिसकी तारीख है 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। भी खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये हम यहाँ पर लेकर आपके सामने आए। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर सेशन में आ चुके हैं, सेशन को भरपूर मात्रा में पहली बार आ रहे हो, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि समय पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, पहली बात। अगर में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CGPSC होने वाला है के मंथ में 2024-2023 होता है, तो उस एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आते हैं, देखिए वो तो आपको साल भर पूरा पढ़ना होता है करंट अफेयर अभी के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है नेशनल पे, तो उसमें से कम 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एग्ज़ाम के 3-3.5 महीने के आसपास के ही होते हैं। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, जब आपको रिसेंटली जो न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं एग्ज़ाम के पहले वाले पे, यानी कि जो दिसंबर का महीना है, जो जनवरी का महीना है, जो नवंबर का महीना है, इसकी न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। तो वो न्यूज़ को हम जानेंगे। इसे दिसंबर महीने की जो न्यूज़ है जो वीकली पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए इस पर आप ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो देते हुए पढ़ाई करिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, ठीक है। जो नए उनको नहीं पता हो तो बता दूं कि हम यानी कि वेदास इंस्टीट्यूट जो है, जो पहले ऑनलाइन पे ही स्टिक था, अब वो ऑनलाइन के साथ साथ आ चुका है और हमने जो है वो चालू किया हुआ है रायपुर में। तो रायपुर में अगर आप रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं क्लासेस को आप सामने बैठ कर देखें कर सकते हैं, इसके अब कोई चार्जेस नहीं है। आप क्लास को बैठ कर देखिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, बाकी जो ऐप क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर आके पढ़ लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में भी चालू हो रहे हैं तो वो भी आप पढ़ लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें तो आप अगर हैं आसपास के, तो आप यहाँ पर आकर जरूर इन क्लासेस का बेनिफिट लीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज मिल रही है मौके पे, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और आगे की तरफ चलेंगे। तो पहला जो न्यूज है जो तो ये है कि द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द पीएम मोदी एट वेयर इज द COP 28 हेल्ड। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत मस्कट, दुबई, रियाद या फिर दोहा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर यहां पर बहुत सारी चर्चाएं फैसले होते हैं, जिसको हर कंट्री जो है मेंबर इसकी वो आप यहां पर फॉलो करके मानते हैं। किसी को पता है इसका आंसर बताइएगा। तो सही जवाब जो है वो है इसका दुबई। तो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे हैज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग एलिफेंट पटरियों में नुकसान होगा, ट्रेन को भी नुकसान होता है, ठीक है, मतलब चीजें बड़ी है ना। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कौन सी तकनीक शुरू की है? हाथियों को बचाएं, हाथियों की सुरक्षा, गजराज कवच या गजराज सुरक्षा। सेव एलिफेंट्स, एलिफेंट प्रोटेक्शन, गजराज कवच या फिर गजराज सुरक्षा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर हैं, बताइए कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा इसका।
ठीक, तो क्या है इसका सही जवाब? तो उसका सही जवाब जो है भैया वो है गजराज कवच। ठीक है, गजराज कवच। इससे क्या होगा बेसिकली, सॉरी गजराज कवच नहीं होगा, गजराज सुरक्षा कवच में सोच रखा था। ठीक है, ये अक्सर नाम में कवच वाला जो है ना वो चालू हो। ठीक है, ठीक है, इन तीन में से कौन सा नहीं है? तो INS मंगरोल, CSL लिखा है ना यहां पर, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है और कौन सा है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस एक क्वेश्चन से आप दो चीज समझ जाओगे यार, कौन सा नहीं होगा और उन तीनों में से तीनों कौन है वो आपको मालूम चल जाएगा। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल कैसे उसकी अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हो सकती है इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बताऊं तो कौन सा नहीं है, जो जो नहीं है वो है इसमें से INS इम्फाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इन तीन में नहीं है। तो किसने इसको डेवलप किया, किसने इसको बनाया, तो बोलना CSL। ये क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका नाम क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। कौन कौन से? तो बोलना INS माहे, INS मंगरोल और INS मालवान। ठीक है, ये तीन जो है, ये तीन एंटी सबमरीन वेसल्स को शामिल किया, बनाया किसके द्वारा? CSL के द्वारा। CSL क्या है? कोचिन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 64 इकोनॉमीज इन 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WDCR, 44, 50th, 55th और 49। 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है? जब भी इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात होती है किसी इंटरनेशनल सर्वे में, तो वो ज़रूरी तौर पे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप सब ऑप्शन यहाँ पर देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, आप लोग को यहाँ पर उसका जवाब मिलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत लोग सही जवाब भी देते हैं, बहुत लोग गलत जवाब दे देते हैं। अगर गलत जवाब दे रहे हो तो निराश मत हो, सही जवाब को अपनी कॉपी में नोट कर लो और उसको हमेशा के लिए याद कर लो जब तक एग्जाम ना हो जाए तुम्हारा। एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रख लो यार। ठीक है, तो यहाँ के तो रैंक कौन सा है हमारा? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस। ये देखो किसकी बात हो रही, कौन कौन से लोग, देखो ये आपको बहुत सारी चीज, सबसे पहली बात ये रहेगी आपसे एग्जाम में क्या इस क्वेश्चन से आप क्या सीख रहे हो, तो बोलना इंडिया की रैंकिंग की बात हो रही है सर। ठीक है, क्या हो रही है? इंडिया की रैंकिंग की बात हो रही है। कहां पर हो रही है? किसी जगह पर हो रही है, जगह कौन सी है? तो बोलना इसमें 64 इकोनॉमीज, मतलब
64 देश की अर्थव्यवस्था, 64 देश की अर्थव्यवस्था में ये चीजों को हम पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, किस में, किस चीज पे? तो बोलेगा वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, WCDR, वर्ल्ड लेवल पे जो डिजिटल कंपटीशन है। ठीक है, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब डिजिटली हम कितना कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा में हम कहां पर मौजूद हैं इन 64 में से। तो हमारा आंसर कितना है, 49th नंबर पे। अब सवाल तुमसे एक और पूछ सकता है जिसका जवाब तुमको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुमको देने वाला हूं कि ये जो रैंकिंग है, अभी रैंकिंग निकालने वाला कोई ना कोई तो होता होगा ना। बोलना, हाँ होता है, कोई ना कोई एक संस्था होती है। तो इस संस्था का जो नाम है वो है क्या, IIMD, मतलब इसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, कंपटीशन है क्या पूरे 200 देशों के बीच में, नहीं सिर्फ 64 इकोनॉमीज के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो इसमें से क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है ना वो कैसे चेंज होगा, वो चीजें पूछ के जो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। हम हर कोई एक्सपेक्ट क्या करेगा यार, इंडिया की रैंक पूछेगा ना बस, और क्या क्या पूछे, क्या पता कल को बोलेगा कि जिस सर्वे है PCR पे उसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया, ये पूछ सकता है। 64 हर किसी को याद नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट लॉयन किस राज्य में स्थित बर्दा जनजीव वन्य जीव अभयारण्य में, जीव हो गए,
पंजाब का हो, जम्मू कश्मीर का हो, हर शहर का जो डेटा होता है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होता है जहां पर उसको असेसमेंट किया जाता है नहीं है। तो ये चीज आवास और शहरी मामले का मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अगला हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन एड तो यहां पर जो आंसर आपको मिलने वाला है वो है मनीषा पाढ़ी, ठीक है, मनीषा पाढ़ी, पाढ़ी मतलब मनीषा मनीषा पाढ़ी, तो ये है। बट ये है क्या, ये बनी क्या, तो बोलेंगे ये एड हुई है, कहां की बनी हुई बता दीजिएगा भी फटाफट। तो नाम मनीषा पाढ़ी, यू मस्ट रिमेंबर, याद रख आपको। और कहां पे इनको पोस्ट किया गया है, किया गया है, तो ये जो है ये कहां पर, तो बोलना इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये मिजोरम के गवर्नर यानी कि मिजोरम के राज्यपाल साहब जो है उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। चलो ठीक है, अपॉइंट क्या किया, इनको एडीसी बना के रखा हुआ, एडी कैंप। ये एडी कैंप क्या होता है कि जो हाइएस्ट रैंक वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो तो उनके लिए क्या बनेगा, उनके उनको असिस्ट करने वाले जो है वो ये बनेंगे, ठीक है, उनको ये क्या करेंगे, ये असिस्ट करेंगे, ठीक है। लीडर थी और हाईएस्ट रैंक करेगी, असिस्ट करेगी। इंडिया में पहली बार किसी फीमेल को एट डी कैंप बनाया गया है, ठीक है, भारत पहली बार किसी को एट डी कैंप, किसी महिला को एट डी कैंप बनाया गया। अक्सर क्या रहता है, देखोगे कि गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, आर्मी के हेड होते हैं या में जो हेड होते हैं वो हमेशा एक मेल होते हैं। पहली बार किसी महिला को बनाया गया, वो भी कहां पर, मिजोरम में। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गवर्नर ऑफ मिजोरम का नाम यहां पर लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है, हु इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, क्योंकि पूछा है। तो मनीषा पाढ़ी के साथ साथ में मिजोरम के गवर्नर जिनका नाम क्या है, हरिबाबू, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच स्टेट विल होस्ट द अल्टीमेट खो खो सीजन 2 फ्रॉम सेप्टेंबर 24, 24 दिसंबर से कौन सा राज्य अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी करेगा, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सिंपल फैक्चुअल सवाल है, स्पोर्ट्स से संबंधित है तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये फैक्ट पता है तो पता है, सॉल्व तो नहीं कर पाओगे ना, सोच भी नहीं पाओगे। तो जो इसका सही जवाब बेटा वो है आपका उड़ीसा, ठीक है। 24 दिसंबर से जो अल्टीमेट खो खो सीजन 2 चालू होने वाला है वो होने वाला है स्टार्ट कहां से, उड़ीसा, ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम। अनुराग सिंह ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। हाल ही में रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम पुस्तक का विमोचन किसने किया, अनुराग सिंह ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या नाम होगा,
ठीक है, तो एक किताब लिखी गई है। अब इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पारी आती है तो मैं क्या, तो क्या बुक सब्जेक्ट क्या, ये देख लेते हैं पहले। रेजिलियंट इंडिया इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम, प्रबंधन इस तरीके से क्या हुआ है। तो जब बात आप कहीं पर बाढ़ तो हमने देखा है कि अक्सर वक्त में तो मॉनसून सीजन में तो बाढ़ आती है, लेकिन स्नो बादल फट जाना, भूकंप, चीजें कहां देखते हम पहाड़ी, ठीक है, जहां पर प्लेट का मूवमेंट अच्छा होता है, कौन शीर्ष पर है, दीपिंदर गोयल नाम, इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर हैं। रईसों की बात हो रही, मेड सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स, चलिए जो टॉप लिस्ट में आ रहा है, देखो आप बिजनेस की बात करते हैं ना, तो एंटरप्रेन्योर ऑफ मिलेनिया 2023, 100 साल की बात हो रही, 2023 की बात हो रही, मिलेनिया 2023 में कौन सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, मतलब खुद के दम पर बना उद्यमी, टॉप 200 में जो लिस्ट में टॉप किया हुआ है वो व्यक्ति कौन है। तो आपने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा अभी जो चीज़ें लगती हैं इंसान, एक ग्रॉसरी आइटम, राशन खरीदता है हर जगह से, अब क्या हुआ है ट्रेंड चेंज हो गया, राशन खरीदने की दुकान अलग नहीं घूमते कि लिया इस दुकान से, लिया वहां से शक्कर, वहां सस्ती मिल, हर किसी के पास समय कम है तो घूम नहीं सकता, तो हर कोई कहां जाता है, एक ऐसी दुकान में जाएगा जहां पर ये सब चीजें मिल जाती हैं, राशन के बिना तो रह नहीं सकते हो ना, खाना पानी बड़ा जरूरी है, तो वहां जाते हो, और जो होता है सुपरमार्केट होता है, सुपरमार्केट में एक नाम है डी मार्ट, और डी मार्ट के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, राधा किशन दमानी, ठीक है, राधा किशन दमानी ये डी मार्ट के फाउंडर है। डी मार्ट आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर हर चीज आपको मिल जाती है, वो व्यक्ति 200 एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मेड, खुद के दम पर बने हुए उद्यमी, यहां पर अंबानी नहीं आने वाले, ठीक है, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में जो है ये टॉप में आते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात आपको। रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, कोई भी नई नियुक्ति पूरे विश्व में कहीं पर होती है और जहां पर हमारे संबंध अच्छे भी हैं तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, ल्यूक फ्रीडन, अर्शिया सत्तार, एंड्री राजोएलिना, रॉबर्ट शेटकिंगटॉम, ठीक है, तो यहां पे तो हम समय गुजारेंगे नहीं क्योंकि ये कोई लॉजिक वॉजिक तो है नहीं यहां पर, अब उनका देश है वो जिसको चुनना चाहे चुन ले, लेकिन हमारा सही जवाब जो है इसके लिए वो क्या नाम है, वो एंड्री राजोएलिना, ठीक है,
एंड्री राजुएलिना, जो कि सेकेंड टाइम मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने सेकेंड टाइम दूसरी बार इनको मेडागास्कर का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो आंसर जो रहेगा सही वो क्या रहेगा, एंड्री राजुएलिना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। रिसेंटली ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023। हाल ही में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया, मतलब उस साल का शब्द है ये, ऑथेंटिक, रिज, हेलुसिनेट, परमाक्रिसिस, ठीक है, ऑथेंटिक, रिज, हेलुसिनेट और परमाक्रिसिस, बताइए जी क्या होएगा इसका आंसर सही। ठीक है, तो ये कोई नाम बता दो, अच्छा सा नाम है, तुमको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा, याद रखना ये नाम। जो वर्ड है इस बार का वो क्या है, रिज, वर्ड क्या है, उसका नाम क्या है, रिज को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर। अब ये ऑक्सफर्ड जो ये प्रेस है वो किस बेसिस पे यूज करती है कि कितने ज्यादा बार इस शब्द को इस्तेमाल किया गया, इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसके बेसिस में वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित करते हैं। रिज, जिसका कॉलोक्वियल नेम जो है वो रिज है, तो रिज करके बोलते हैं, रिज बोलते हैं, तो इसको इसका जो वो है वो क्या है, चाम, चाम मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा चाम कि जो अपने आप पार्टनर को इंप्रेस करो, उसको अट्रैक्ट कर पाओ, इसको रिज कहते हैं, याद रहेगा ना अभी, ठीक है, सामने वाला अगर कोई लड़का है तो लड़की को इम्प्रेस करना, उसको अट्रैक्ट करना, ये रिज कहलाता है। लड़की है तो लड़के को अट्रैक्ट करना, इम्प्रेस करना, ये जो चीज़ कहते हैं उसको रिज कहते हैं, रिज कहते हैं, टू अट्रैक्ट समवन, ठीक है, वेरी इंटेंसली मतलब बहुत तीव्रता से उसको अट्रैक्ट कर देना, अपना चार्म छोड़ देना, तो इसको क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि जीवन में तुम इस वर्ड को कभी भूलोगे और आगे चल के भी मतलब तुम चाहोगे कि हर साल इसको वर्ड ऑफ द ईयर ही घोषित किया जाए, ठीक है। वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब हैज बीन लॉन्च्ड, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब कहीं पर भी गए उसको लगाए, क्यूबिकल्स होते हैं, क्यूबिकल चालू करे, जो बेसिक चीजें जरूरी होती हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए वो सब वहां पर मुहैया करा दिए और अपना एक अस्पताल चालू कर दिए। ये किसी जगह का मोहताज नहीं होता, ये किसी खास जगह के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होते, मूवेबल होता है। तो यहां पर बोला गया कि इस हॉस्पिटल को जो कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, इसे कहां पर लॉन्च किया गया, लखनऊ में, मुंबई में, गुरुग्राम में या फिर दिल्ली में। ठीक है, तो ये कहां पे खुला गया भैया, तो इसका नाम जो है दीजिएगा गुरुग्राम में। कौन से राज्य में, तो कहना गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में इसको चालू किया गया, ये पोर्टेबल ऐसा अस्पताल है, कहीं पर भी बैठिएगा, जो इमरजेंसीज होती हैं उसको भी डील करने के लिए सक्षम है, तो इसको शुरू किया गया यहाँ पे, और ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको तो पूरे देश में लागू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी होना बड़ी जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के कंडीशन के हिसाब से, ठीक। तो ये जो था, अभी अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि ये जो है इसको हम रख रहे हैं अपना पार्ट वन ऑफ द वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 3rd December to 10th December। इसका पार्ट टू जो रहेगा वो अगली क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी क्लास को यहाँ पर रोकते हैं और फिर मुलाकात होगी अपनी इसी टाइम पर, अगले दिन मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।